Hundreds of devotees cutting across the religious lines come to the Dargah of Hazrat Syed Attah Shah, situated in the city of Bangalore in Karnataka. The Dargah witnesses a large number of pilgrims coming together in the spirit of humanity to offer prayers at the Dargah. They offer holy chadars at the shrine while praying for the well-being of all the people in the country. आप खुद देख रहे हैं कि आज पे हिंदू लेडीज आ रहे हैं, मुस्लिम्स आ रहे हैं, तमिल के लोग आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, मुसलमान सब लोग मिलजुल कर आ रहे हैं. अपना जो भी दिल में है उनके लिए जो भी मांगना होता है, एक प्रेयर, जैसे कि एक उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ से आऊँ, इनसे अच्छे दिल से कुछ मांगूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा, तो मैं अच्छा कुछ मुझे को कामयाबी मिलेगी. नहीं, यहाँ कोई सब लोग आते हैं यहाँ पे, कोई को किसी को रोक ठोक नहीं है इस जगह पे. यहीं नहीं कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के कोई भी दरगाह आप चले जाए, जैसे अजमेर शरीफ है, आप बम्बई का हाजी अली चले जाए, माहिम चले जाए. द दरगाह होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट वेलकम्स पीपल ऑफ ऑल फेथ्स टू सीक वननेस विद गॉड and plays a distinctive role in narrowing the religious boundaries and boosting secularism in the nation. हम हिंदू रहे तभी हमारा का अल्लाह भी एक ही भगवान ने, शिवा भी एक ही भगवान साहब, हमें सबको भी एक करता, सबको भी दुआ करता साहब. Places like these are spread all across the nation. The message of peace and brotherhood comes out loud from these dargahs, and these sites have been acting as symbols of communal harmony for ages.